हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एक और नई भर्ती के बारे में, जो कि यहाँ पर 126 पदों पर निकल के आ रखी है। इसके लिए यहाँ पर जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है, आयु सीमा और यहाँ पर योग्यता, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये जो है आपके समूह ग पदों की भर्ती है, जो कि यहाँ पर 126 पदों पर निकल के आ रखी है। इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 18 नवंबर को पब्लिश है। इसमें यहाँ पर जो है आपका उत्तराखंड शासन के द्वारा महिला सशक्तिकरण और बाल विकास अनुभाग एक के द्वारा यहाँ पर जो है भर्ती निकाली गई है। इसमें आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो पद का नाम है वो सुपरवाइज़र है, और इसके लिए जो है आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है। 29,200 स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहेगी, जो कि यहाँ पर 92,300 तक जाएगी। लेवल फिफ्थ है, तो लेवल फिफ्थ है, काफ़ी अच्छी सैलरी है। इसमें यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं 126 पद रिक्त हैं, तो ऑल उत्तराखंड के लिए यहाँ पर है। कोई भी अभ्यर्थी इस पर अप्लाई कर सकता है। और इसके अगर लास्ट डेट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 5 दिसंबर कर रखी जाएगी। तो ये यहाँ पर 5 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है। यहाँ से जो है आप इस वेबसाइट पर, ठीक है, ये दो वेबसाइट जारी कर रखे हैं, यहाँ से आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इसके लिए यहाँ पर जो अगर बात करें कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर देख सकते हैं सुपरवाइज़र के लिए जो कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु यहाँ पर जो है रिक्त पद हैं। इसका विवरण देख सकते हैं यहाँ पर, जो आपके अनुसूचित जाति वाले हैं 21 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति वाले हैं 4 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए यहाँ पर 21 हैं, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट हैं, और जो अनारक्षित हैं वो 62 पद हैं। टोटल यहाँ पर 114 पद हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए हो गया, और उसके बाद यहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए है। तो इसमें जो है मेनली आपको जो है फीमेल अभ्यर्थी होंगे, ठीक है, ओनली फीमेल अभ्यर्थी, नॉट ए मेल। और इसके लिए यहाँ पर सुपरवाइजर की देख सकते हैं 3 पोस्ट आपके अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के नहीं हैं, और ओबीसी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के भी नहीं हैं, 7 अनारक्षित के हैं, टोटल 12 हैं। कुल मिला के 126 पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती निकल के आ रखी है। इसके लिए जो है आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए, न्यूनतम जो है 31 वर्ष, अधिकतम जो है यहाँ पर 59 वर्ष होना जरूरी है। और अनिवार्य अगर शैक्षिक योग्यता के बारे में बात, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि विधि द्वारा जो आपके पास स्नातक होना चाहिए आपके पास सबसे पहले, तो और मेरिट के अंक के अनुसार जो है आपको निर्धारित किया जाएगा। इसमें जैसे आपकी शैक्षिक योग्यता के अधिकतम जो नंबर होंगे उसके आधार पर आपके नंबर मिलेंगे। हाई स्कूल से स्नातक परीक्षा तक जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के अनुसार जो है क्रमशः यहाँ पर 2, 3, 1 अंक इस तरह का यहाँ पर दिया जाएगा। और आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यहाँ पर, आंगनबाड़ी कर्ती के लिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु यहाँ पर 6 अंक दिया जाएगा। तो इसके लिए भी ये भी रखा गया है, और इसके लिए क्राइटेरिया आपको पता है कि इस पर जो है काम करना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव भी रखा गया है। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर मिनी आंगनबाड़ी या अदर जो है यहाँ पर काम करते हैं यहाँ पर, उनके लिए भी यहाँ पर अनुभव की योग्यता रखी गई है। इसके लिए यहाँ पर देखते हैं कि जो आवेदन करने का यहाँ पर निर्धारित समय है वो आपको यहाँ पर जारी कर रखा है, और इसके लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना है, और इस वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं। और जो प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पर संलग्न करना है, हाई स्कूल का है, जितने भी आपके समक्ष अधिकारी प्रदत्त जो आपका आरक्षण वर्ग है उसकी फोटोकॉपी, स्थायी निवास, सब कुछ आपको यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर कहा गया है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे सबको लगाना ज़रूरी है, और रिक्तियों की संख्या यहाँ पर घट बढ़ सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इन पदों के लिए आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा, ये आपको लगाना पड़ेगा। उसमें जो है फॉर्म फिल करते वक्त जो ऑनलाइन फॉर्म होगा वो उस पर जो संलग्न करना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि आपका पहले मिनी आंगनबाड़ी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होना जरूरी है, इस तरह का रखा गया है। तो इन पदों के लिए जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अनिवार्य अर्हता है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिन्होंने यहाँ पर जो है कहा गया है कि प्रथम दिवस से यहाँ पर लगभग जो है आपके पास यहाँ पर 10 वर्ष के अभिलेख जो है आधार पर निरंतर जो है संतोषजनक जो है मानदेय सेवा पूर्ण कर लिया है, तो उनके रखा गया है। तो आप आवेदन कर सकते हैं, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर हैं।